मेरा नाम है मोहम्मद आरिफ, मैं मांडर विधानसभा के मांडर प्रखंड से हूँ। देखिए, मुस्लिम समुदाय का जो रुझान है हमेशा से पहले कांग्रेस के प्रति रहता था, लेकिन इस बार चमरा लिंडा जी के मैदान पर में आने से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मुस्लिम समुदाय का जो वोट है 50-50 अभी तक हो चुका है। वजह यह है कि कांग्रेस कहती है कि भाजपा भारत में धर्म की राजनीति करती है, लेकिन मुसलमान को ये समझ में आ चुका है कि कांग्रेस भी मुसलमानों के साथ डर की राजनीति करती है। वो डराती है कि बीजेपी सत्ता में होगी तो तुम्हारे साथ वो ये करेगी वो करेगी, जबकि मुसलमान को मुसलमान की आर्थिक स्थिति गिर चुकी है, उनका शैक्षणिक स्तर गिर चुका है। तो मुसलमान कांग्रेस से ये उम्मीद रखती थी कि मैंने कांग्रेस मुसलमानों का शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति को कैसे उठाएगी कैसे उभारेगी इस पर बात करे, लेकिन कांग्रेस इस पर बात नहीं करती है, सिर्फ वो डर की राजनीति कर रही है। दूसरी बात यह है कि हमारे झारखंड के अंदर 14 लोकसभा क्षेत्र है, उसमें एक भी मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया गया, जबकि आप खुद जानते हैं कि मुस्लिमों की आबादी लगभग 28% झारखंड में है, और हमारे जो लोहरदगा लोकसभा है उसमें भी अच्छी खासी आबादी है। एक तरह से कहिए तो हमारा लोहरदगा लोकसभा में मुस्लिम वोट निर्णायक वोट है। तो यही सबको देखते हुए मुस्लिम अपने सोच को बदलने पर और अपने फैसले को बदलने पर मजबूर है। वो किसी से कोई दुश्मनी या रंजिश की वजह से नहीं है, मुस्लिम ये देख रहा है कि कोई जो हमारा काम करेगा हम उसके साथ हैं। जैसे अभी चमरा लिंडा जी से मुस्लिम समुदाय के बहुत से लोगों ने बैठक की, उसमें उन्होंने जो जो बातें रखी हमारे नेताजी ने उनको आश्वासन दिया, आश्वासन नहीं, उन्होंने कहा इसके लिए हम आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे। अब मिसाल के तौर पर देख लीजिए, अभी सुखदेव जी से एक सवाल किया गया कि आप जीतते हैं तो क्या मुस्लिमों को अपना प्रतिनिधि बनाइएगा, तो वो जवाब नहीं दे पाए। आप यहीं पे देखिए कि हमारे चमरा लिंडा जी ने लोहरदगा से आजहर इकबाल अंसारी साहब को अपना मुस्लिम होने के बावजूद प्रतिनिधि बनाया है, तो इस बात का सबूत है कि मुसलमानों के प्रति यानी अच्छा सोच रखते हैं। अब लोग राजनीति में यह होता है कि बरगलाने के लिए भटकाने के लिए तरह तरह का रीमर उड़ाते हैं, बात उड़ाते हैं, तो इससे मुसलमान अवगत हो चुका है कि अब हमको क्या करना है, वो फैसला ले चुका है। देखिए, इससे पहले मुसलमान खास करके कांग्रेस के प्रति इनका रुझान रहता था, और केंद्रीय पार्टी को जिताने के बाद ये होता था कि मुसलमानों का जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं और ज़रूरत है उसको जब मुसलमान उस केंद्रीय सांसद या विधायक के पास ले जाता है तो वो उनकी ज़रूरत के मुताबिक कोई भी काम को क्रियान्वयन नहीं कर पाता है, वो अपने पार्टी के अधीन हो जाते हैं, जिससे क्षेत्र के मुस्लिम जनता की समस्याओं का निदान नहीं हो पाता है। तो हमारा मुस्लिम समाज का ये भी एक सोच बन चुका है अब कि हम एक निर्दलीय प्रत्याशी को ही जिताएंगे, ये किसी का अधीन नहीं होंगे, और डायरेक्ट हम इनसे अपनी समस्याओं को रखेंगे, और ये खुद का मालिक माने खुद है आते हैं तो उसका तो पूरा सिस्टम वहाँ से आएगा। और यही कारण है कि इतने दिनों से मुसलमानों को यानी जिता के सांसद और विधायक बनाने के बाद ही मुसलमानों की समस्याओं का हल नहीं हुआ है, और इससे मुसलमानों का जो माने स्तर है दिन ब दिन गिरता जा रहा है। तो यही सोच के तहत मुसलमानों का जो रुझान है एक निर्दलीय प्रत्याशी को हो चुका है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।